नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। हर जगह नवरात्रि पर्व को सभी श्रद्धालु बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और साज सज्जा, व्रत और पूजा पाठ की दुकानें सजी हुई है, लेकिन बीती रात बारिश ने श्रद्धालुओं के हौसले पस्त कर दिया है। कोई सजावट नहीं कर पा रहे हैं और ओले आंधी से किसानों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन बारिश से चना लही आलू की फसल की तैयारी के लिए बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों को बताते चले कि दलमू खडेश्वरी आश्रम में पूरे नवरात्र रामकथा का आयोजन महंत गणेशदास महाराज जी हैं, जिसमें रामकथा वाचक श्री श्री संतोष महाराज जी सहयोगियों सहित सभी भक्तों को नवरात्रि पर्व और श्रीराम के जीवन पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके पग चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। आए सुने क्या कहा श्री संतोष महाराज जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर। सर्वांगिश्नानियं जलम शमर्पयामि तदोपरान्तेः शोभनान्तेः चन्दनं विलेपयामि चन्दनान्तेः अक्षतं सर्व्यामक्षतान्तेः पुष्पं पुष्पमालां शमर्पयामि माल्यादीनि जुन्धीनि मालत्यादीनि वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणिं पूजार्थं मृद्गृह्यतां मां पुष्पं पुष्पमालान्तेः धूपं दीपं दर्शयामि साज्यं च नवरात्र और चैत्र नवरात्र। शारदीय नवरात्र की विशेष महिमा भगवती दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहती हैं कि जो शारदीय नवरात्रि में मेरे नाम गुण लीला का चिंतन करता है, स्मरण करता है, उसके समस्त मनोरथ मैं पूर्ण करती हूँ, इसमें संशय नहीं है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशया। तो ये शारदीय नवरात्रि विशेष नवरात्रि है भगवती की कृपा को पाने के लिए, और उसी शारदीय नवरात्रि के क्रम में हम सब लोग भगवान की मंगलमय भूरी गाथा